एक तरफ पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका खून खराबे की साजिश रच रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने दाग छुपाने के लिए आरोप आरोप का खेल खेल रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर हिंदुस्तान पर झूठा इल्जाम मढ़ा है। दरअसल पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के साथ अभद्रता हुई है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। सच ये है कि इस्लामाबाद में ही भारतीय उच्चायुक्त के साथ बेहद ही बेशर्मी भरा सलूक किया गया। तमाम शिकायतों के बावजूद पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई तो नहीं की, उल्टे आरोप मढ़ दिया। पापी पाकिस्तान ने फिर दिखाई बेशर्मी, चोरी भी की और सीना जोरी भी। डिप्लोमेट पर पाक का डबल गेम बेनकाब। राजनयिक की प्रताड़ना का घटिया इल्जाम लगाने वाले पड़ोसी मुल्क की बेहयाई फिर बेनकाब हुई। एक खुलासे के बाद पाकिस्तान की चतुराई की चिंदियां उड़ गईं। पाकिस्तान के मंसूबों में किस तरह से मिलावट है यह आपको हम बताएंगे। बताएंगे दोहरी कूटनीति के लिए कुख्यात पाकिस्तान ने शिकायत छुड़छुड़ी क्यों छोड़ी। लेकिन पहले जानिए पड़ोसी मुल्क के झूठे आरोप क्या हैं। इल्जाम है कि नई दिल्ली में जो पाकिस्तानी राजनयिक हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय में जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसके मुताबिक पाकिस्तानी राजनयिक की गाड़ियों का पीछा किया जा रहा है। पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त के बच्चों को स्कूल जाते वक्त बीच रास्ते में परेशान किया गया। पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर ये बंद नहीं हुआ तो पाकिस्तान अपने राजनयिक को वापस बुला लेगा। हालांकि शिकायत मिलने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी जांच कराने की बात कही है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के शिकायती पत्रों में एक एक शब्द चालाकी कलम और ढोंग की इंक से लिखे गए हैं। असल में ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, क्योंकि मक्कार पाकिस्तान ने चंद महीने पहले इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स के साथ अभद्रता की थी। बताया जा रहा है कि पिछले महीने इस्लामाबाद में 7 से 8 लोगों ने हिंदुस्तानी राजनयिकों के घर पर रेड डाली थी। बिल्डिंग की बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया। भारतीय हाई कमीशन अजय बिसेरिया ने पाकिस्तानी विदेश सचिव से मुलाकात कर आपत्ति जताई। इसके बावजूद 2 हफ्ते तक बिल्डिंग में बिजली पानी की सप्लाई नहीं की गई। यहां तक बिसेरिया की कार को रास्ते में कई बार रोका गया। एक अधिकारी के घर के शीशे भी तोड़े गए और उनका लैपटॉप चुरा लिया गया। भारत ने जब इस आरोप पर घोर आपत्ति जताई तो पाकिस्तान कार्रवाई के बदले आरोप आरोप खेलने लगा, यानी चोरी भी और सीना जोरी भी। पाकिस्तान वही काम कर रहा है चोर चोरी के खिलाफ जैसे बोलता है। ये पाकिस्तान सदा से अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ने का काम किया है, सीमाओं पर उल्लंघन करने का काम किया है, चाहे जाधव के मामले में हो, उनके परिवार को मिलने। भारत सदा से इसका पालन करते रहा है, चाहे उनके राजनयिक संबंधों के सवाल हों, चाहे उनके व्यवहार हों। ये पाकिस्तान चोरी और सीनाजोरी दोनों करना चाहता है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने कमोबेश वही आरोप लगाए जो चंद रोज पहले हिंदुस्तान की परेशानी थी। इससे पहले भी पाकिस्तान अपनी नीचता को आरोपों के मुलम्मे में कई बार ढकने की नाकाम कोशिश कर चुका है। मसलन दिल्ली में बैठे पाकिस्तानी अधिकारियों की जासूसी जब बेनकाब हुई थी तो ऐसे ही बिना सबूत का आरोप भारतीय अधिकारियों पर पाकिस्तान ने लगाया था। एक बार फिर पाकिस्तान की घटिया मानसिकता सामने है, फिर उसी घिसी पिटी लकीर पर चलने की कोशिश है जिसके लिए पड़ोसी मुल्क बदनाम रहा है। यही वजह है कि कुछ नेता तो राजनयिक संबंध तक खत्म करने की नसीहत दे रहे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो टेररिस्ट के अनुकूल चलने वाली सरकार उसके साथ रखनी नहीं चाहिए। देखिए को नॉर्थ कोरिया और अमेरिका को कोई रिश्ता नहीं है डिप्लोमेटिक, बट बातचीत चल जाती है क्योंकि थर्ड कंट्रीज हमें भी, हम किसी यूएई से कह सकते हैं कि भाई हमारी बात पहुंचा दो पाकिस्तान को यदि अनिवार्य हो जाए तो। बार बार हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अपनी बेशर्मी दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता और एक बार फिर से वही हुआ। पाकिस्तान की ये बेशर्मी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।